चलिए इसी पर शुरू कर लेते बड़ी खबर का। सोनीपत से बड़ी खबर आ रही है, तो इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे सोनीपत से खबर, जहां पर एफसीआई के डैम ने किया अनाज मंडी का दौरा। आपको बताते चलिए कि यहां पर दौरा किया गया है, मंडी में गेहूं की ढेरियों का जायजा लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, गेहूं की फसल की रिपोर्ट तैयार की गई है, एजेंसी कर रही है काम और 48 घंटे में किया जाएगा फसलों का भुगतान। तो आपको बताते चलिए कि अचानक से ये दौरा किया गया है, मंडी में गेहूं की ढेरियों का जायजा लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से खरीफ की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में किस तरीके से केंद्रों पर व्यवस्था की गई है, इसको लेकर एफसीए के डैम ने अनाज मंडी का दौरा किया। तो मंडी में गेहूं की ढेरियों का जायजा लिया गया है और इसी के साथ गेहूं की फसल की रिपोर्ट तैयार कर एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर काम कर रही है, डीएम ने कहा है, और 48 घंटे में फसलों का भुगतान भी किया जाएगा। तो मंडी में गेहूं की ढेरियों का जायजा लेने के लिए डीएम पहुंचे और आपको ये भी बताने चले कि किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं ताकि किसानों को परेशानी ना हो, उसको लेकर ही अचानक से उचित निरीक्षण किया गया। तो एफसीआई के डीएम ने अनाज मंडी का जायजा लिया और यहाँ पर मंडी में गेहूं की ढेरियों का जायजा लिया गया है, गेहूं की फसल की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है और एजेंसियां इस पर काम भी कर रही है। और हालांकि 48 घंटे में फसलों का भुगतान किया जाएगा, डीएम का साफ तौर पर कहना है, और मंडी में गेहूं की ढेरियों का जायजा लिया गया है। तो यहाँ पर खरीद की शुरुआत हुई और ऐसे में केंद्रों में किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, उसको लेकर डीएम ने उचक निरीक्षण किया।